मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। 61वें ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में नए चेहरों को भी जगह मिली और आपके पसंदीदा सितारों को भी। फिल्म अवार्ड्स में कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह के लिए खुशियां लेकर आया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रहा बाजीराव का रोल निभाने वाले रणबीर सिंह के नाम। वहीं फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली ने बेस्ट डायरेक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया। बाजीराव मस्तानी में काशीबाई के किरदार से लोगों के दिल को छूने वाली प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। अनिल कपूर को दिल धड़कने दो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल का मेल अवार्ड मिला। फिल्म पीकू में इंडिपेंडेंट बंगाली लड़की के किरदार को बखूबी जीने के लिए दीपिका पादुकोण को क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर का फीमेल अवार्ड दिया गया। वहीं क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पीकू को। इसके अलावा क्रिटिक्स की पसंद बनी कंगना रनौत, जिन्होंने तनु विट्स मनु रिटर्न्स में डबल रोल का धमाल मचाया था। बिग बी को फिल्म पीकू के लिए क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड अगर तुम साथ हो फिल्म तमाशा के लिए इरशाद कामिल ने जीता। वहीं फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड रॉय फिल्म के लिए अंकित तिवारी और मीत ब्रदर्स ने जीता। संगीत में नई प्रतिभाओं को दिए जाने वाला फिल्म फेयर का आरडी बर्मन अवार्ड अरमान मलिक ने जीता। श्रेया घोषाल ने बाजीराव मस्तानी के गीत दीवानी मस्तानी के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर फीमेल अवार्ड और अरिजीत सिंह ने रॉय फिल्म के सूरज डूबा है गाने के लिए बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड जीता। पंडित बिरजू महाराज को मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिला। फिल्म तलवार को बेस्ट साउंड डिजाइनिंग अवार्ड मिला और बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड बाजीराव मस्तानी के खाते में गया। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड बजरंगी भाईजान फिल्म के लिए विजेंद्र प्रसाद को मिला। मौसमी चटर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। वो पीकू में भी नजर आई थी। फिल्म मसान के लिए नीरज घायवान को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब मिला। वहीं भूमि पेडनेकर को दम लगा के हईशा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल का अवार्ड रहा सूरज मंचोली के नाम, जिन्होंने फिल्म हीरो में लीड रोल किया था। फिल्म फेयर अवार्ड को होस्ट किया शाहरुख खान और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने। इस मौके पर सितारों का भरपूर जमावड़ा लगा। सनी लियोन ने भी इस अवार्ड फंक्शन में अपने पति डैनियल के साथ नजर आईं। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।